परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, एक सीधी सरल बात है कि भगवान मेरे हैं। ऐसे भगवान को मेरा कह दिया तो बड़ा असर पड़ता है प्रभु पर। अनेक जन्मों से बिछड़ा हुआ और 84 लाख योनियां भुगतता हुआ, दुख पाता हुआ जीव अगर कह दे, हे नाथ मैं आपका हूं, हे प्रभु आप मेरे हो, तो प्रभु को बड़ा संतोष होगा, बड़े ही राजी होंगे भगवान। मानो भगवान की खोई हुई चीज भगवान को मिल गई, बड़ा उपकार होगा भगवान पर। भगवान के घाटे की पूर्ति कर दोगे आप। जीव विमुख हो गया है, ये भगवान के घाटा पड़ गया है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहीं, जन्म कोटि अघनासहि तबहीं। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं, क्योंकि पाप तो भगवान से विमुख होने से ही हुए हैं। सब पापों की जड़ तो वहां से चली है। भगवान के सम्मुख होते ही वे बेचारे पाप टिक नहीं सकेंगे। इसलिए हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, ऐसे भगवान के साथ अपनापन है, ये बहुत सार चीज है, असली चीज है। क्रियाओं के द्वारा आप भगवान को नहीं पकड़ सकते जितना प्रेम के द्वारा, अपनेपन के द्वारा पकड़ सकते हो। बड़े अच्छे अच्छे काम करो, यज्ञ करो, दान करो, तीर्थ आदि करो, वेद अध्ययन करो, सब की सब लाभ की चीज है, परंतु अपनापन किया जाए ये बहुत लाभ की और विचित्र बात है। एक करोड़पति के यहां नौकर रहता है जो 20,000 रुपए पाता है, और करोड़पति का लड़का है उसे 100 रुपए महीने भी कोई देता नहीं क्योंकि वो अयोग्य है। परंतु पिता मर जाता है तो 20,000 रुपए पाने वाला नौकर मालिक नहीं बन सकता, पर अयोग्य लड़का मालिक बन जाता है। वो योग्य तो नहीं है पर उसका हक लगता है। इस प्रकार योग्यता से वो अधिकार नहीं मिलता जो अपनेपन से मिलता है। प्रभु के हम हैं ये बनाया हुआ अपनापन नहीं है। सेठ का अपनी तरफ से कोई बेटा बन जाए और कोई उसे पूछे कि तुम कहते हो या सेठ कहता है, सेठ क्या कहे मैं कहता हूं, तो उसे कोई मानेगा नहीं। सेठ यदि कह दे कि यह हमारा बेटा है, कोई काम पड़ जाए तो सेठ के नाम पर लाखों रुपए मिल जाएंगे। सेठ का कहना जितना दामी है उतना हमारा कहना दामी नहीं है। भगवान तो मात्र जीव को अपना कहते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः। अब केवल आपकी सम्मति होने की जरूरत है। सम्मति होने की आवश्यकता है कि मैं भगवान का हूं। ये सब संसार आपको धोखा देगा, आपसे विमुख हो जाएगा, चला जाएगा, रहेगा नहीं, शरीर भी नहीं रहेगा। इनको आप अपना कहते हैं, ये बहुत बड़ी भारी गलती है। इनसे विमुख होकर भगवान से कहें, हे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, निहाल हो जाओगे, निहाल हो ही राम को नाम जपो। नाम जपना हो तो राम का होकर नाम जपो, चलते फिरते जपो, क्योंकि हमारे प्रभु का नाम है। जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुबर नाम में सब काहू का सीर। भाई बहन, पढ़ा लिखा अनपढ़, रोगी निरोगी कोई भी क्यों ना हो, परमात्मा के नाम में सबका अधिकार है। पिता की संपत्ति में पुत्र का पूरा अधिकार है। इसलिए हमारे प्रभु का नाम है, कौन मना कर सकता है बताइए। हमारे माँ बाप हैं, ऐसे भगवान पर अधिकार जमा दें।
कली संतरणोपनिषद में नाम की महिमा आई है। नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, महाराज कलियुग में रहते हुए संसार से कैसे उद्धार कर लें? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान का नाम लेते हुए। कौन सा नाम? तो कहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह नाम बताया। इसकी विधि क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, विधि है ही नहीं, किए जाओ लिए जाओ, शुद्ध अशुद्ध हर अवस्था में। वह तो भाई उपनिषदों का मंत्र है, पर राम राम तो बड़ा सीधा और बड़ा सरल है। इसको साबर मंत्र कहते हैं। साबर मंत्र जाल जिन सिरीजा। इसमें क्या है? अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। साबर मंत्र कोई छंद की विधि से नहीं बैठते, कोई मात्राओं से नहीं बैठते। साबर मंत्र है, भगवान ने जो कह दिया वह मंत्र हो गया। ऐसे भगवान का नाम है ये राम नाम, इतना विलक्षण है। 7 करोड़ बड़े बड़े मंत्र हैं चित्त को भ्रमित करने वाले। एक एव परो मंत्रो राम इत्यक्षर द्वयम्। यह 2 अक्षर वाला राम नाम बड़ा विलक्षण है, पर महान मंत्र है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महामंत्र के जपते ही ईश महेश हो गए। केवल महेश हो गए इतना नहीं, काशी जी में नाम महाराज का क्षेत्र खोल दिया। कोई धान चून देता है, कोई आटा सीधा देता है। भगवान शंकर ने मुक्ति का क्षेत्र खोल दिया। बस काशी में जो मर जाए मुक्त हो जाए। इस प्रकार पृथ्वी मंडल पर मुक्ति का क्षेत्र खोला हुआ है भगवान शंकर ने। किसके बल पर? राम नाम के बल पर। काशी मुकुति हेतु उपदेशु। नाम महान मंत्र है, भगवान शंकर इसे जपते हैं। इस नाम के प्रभाव से आपने मुक्ति का क्षेत्र खोल दिया कि सबकी मुक्ति हो जाए। अध्यात्म रामायण में भगवान शंकर खुद राम जी से कहते हैं, भगवन मैं भवानी के सहित काशी में रहता हूं, आपका जो राम नाम मंत्र है उसका मैं दान देता हूं मरने वालों को, कि ले लो भाई जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। एक सज्जन कहते थे, मैंने कई आदमियों को देखा है, काशी में मरने वाले का कान ऊंचा हो जाता है, मानो शंकर इस कान में मंत्र देते हैं। वह नाम अपने भी ले सकते हैं, कितनी मौज की बात है, कितना ऊंचा नाम है। जो भगवान शंकर का इष्ट है वह हम ले सकते हैं कलयुगी जीव। कैसी कृपा हो गई, अलौकिक कृपा हो रही है। बस थोड़ी सी बात है, नाम लेने लग जाए, राम राम राम। संतों ने कहा है, मुक्ति मुंडे में थारे, तेरे मुंह में मुक्ति पड़ी है, राम नाम लेकर निहाल हो जा तू। ऐसा भगवान का नाम जपने लग जाओ, बस सीधी बात है। खुला भगवान का नाम है, तिजोरियों में बंद धन को तो आप हिम्मत करके खुला लेते हैं, पर चौड़े पड़े इस धन को लेते ही नहीं। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। जो चाहे सो ले जाए,
कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, सबके लिए खुला है, किसी के लिए मनाही नहीं है। ऐसा भगवान का नाम तत्परता से लिया जाए, उत्साह पूर्वक प्रेम से अपने प्रभु का समझ करके। संतों ने कहा, परलोक में नाम लेने वाले और नाम न लेने वाले दोनों हैं। क्यों? नाम लेने वाले रोते हैं कि इस बात का पता ही नहीं था कि नाम की इतनी महिमा निकलेगी। यह पता होता तो रात दिन नाम लेते। और नाम न लेने वाले रोते हैं कि हमारा समय खाली चला गया, बिना नाम के खाली चला गया। भाई, अब अपने को पता लग गया, मरने के बाद पश्चाताप करोगे तब क्या होगा? अभी समय है, जब तक ये श्वास की धोंकनी चलती है, आंखें टिमटिमाती हैं, जीते हैं, ये मौका है। भगवान का नाम ले लें और लोग हंसें तो परवाह नहीं। लोग हंसते हैं तो अच्छी बात, हंसो भाई, हंसकर खुश होते हैं, खुशी में हंसी आती है, बड़े आनंद की बात है। हम भगवान का नाम लें तो उनको हंसी आए, बड़ी अच्छी, बड़े आनंद की बात है। हम तो भगवान के नाम में लग जाएं बस, हंसी करो, तिरस्कार करो, दिल लगी उड़ाओ, कोई बात नहीं। मान सम्मान में तो नुकसान है, अपमान निंदा सहने में नुकसान नहीं है, इससे पापों का ही नाश होता है। इधर आप नाम लो और वे हंसी दिल लगी उड़ाएं तो डबल लाभ होगा। तेरे भावे जो करो, भलाओ बुराओ संसार, नारायण तू बैठी के अपनाओ भुवन बुहार। दूसरे करते हैं कि नहीं करते, इस तरफ ख्याल करने की जरूरत नहीं है। जैसे भूख लगती है तो ये पूछते नहीं कि तुम लोगों ने भोजन कर लिया है कि नहीं, क्योंकि मैं अब भोजन करना चाहता हूं। जब प्यास लगती है तो ये नहीं पूछते कि तुम लोगों ने जल पिया कि नहीं, क्योंकि मैं जल पीना चाहता हूं। प्यास लग गई तो पी लो भाई जल। ऐसे भगवान के नाम की प्यास लगनी चाहिए भीतर। दूसरा लेता है कि नहीं लेता, क्या करता है क्या नहीं करता, पर खुद को लाभ ले ही लेना चाहिए।